हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी। कंप्यूटर एप्लीकेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स का होगा। इसका मैक्सिमम मार्क्स है 50। टोटल क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए बी एंड सी। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं और 30% इंटरनल चॉइस क्वेश्चन पेपर में दी गई है। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स ईच हैं और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच और सेक्शन डी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई में केस स्टडी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं और इसके 4 मार्क्स ईच मीन्स 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पहले हम सेक्शन ए में आ जाते हैं। इसमें ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिस रेफर टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। जो हम कंप्यूटर में किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेस करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो आंसर है हमारा डिजिटल डिवाइड। सेकेंड है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ई गवर्नेंस वेबसाइट का है? india.gov.in हमारा ई गवर्नेंस वेबसाइट का एक एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है? तो हमारा इसमें आ जाएगा दीक्षा। दीक्षा हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर ए नेटवर्क। कौन से प्रोटोकॉल का यूज हम इंटरनेट पर ईमेल को सेंड करने के लिए करते हैं? तो आंसर है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। MMS के लिए इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? सेंडिंग वीडियो फाइल, सेंडिंग ऑडियो फाइल, सेंडिंग टेक्स्ट फाइल ओनली, सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। MMS के लिए सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट नाउन एज। जो इंटरनेट पे जो फाइलों का जो कलेक्शन होता है उस वो किस में होता है? वो हमारा एक वेबसाइट में होता है। फाइल्स हमारी यहाँ पर वेब पेजेस हो गए और वेब पेजेस का कलेक्शन हमारा वेबसाइट कहलाता है। द HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक्स के लिए कौन सा यहाँ पर हम टैग यूज करते हैं? इटैलिक के लिए हम आई टैग्स का यूज करते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप्स ऑफ CSS इज द फॉलोइंग कोड। इनमें से CSS के लिए जो कोड दिया गया है वो एक्सटर्नल है, इनलाइन है, आउटलाइन है या फिर इंटरनल है? इसमें जो कोडिंग दी गई है उसमें H1 स्टाइल के अंदर ही, H1 टैग के अंदर ही यहाँ पर स्टाइल टैग को यूज किया गया है, जिसमें कलर्स एट्रीब्यूट्स का यूज किया गया है। ब्लू यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर एक मैसेज लिखा है ब्लू हेडिंग और हेडिंग को क्लोज किया गया है, क्योंकि इन्होंने H1 टैग्स के अंदर ही स्टाइल को इंक्लूड किया है, इसलिए इसमें इनलाइन टैग्स जो इनलाइन स्टाइल्स है वो यूज किया गया है, इसलिए आंसर हमारा बी इज करेक्ट आंसर। विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के लिए लाइन ब्रेक के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, द एट्रीब्यूट ऑफ द IMG टैग्स आर यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। IMG इमेज टैग्स में फाइल की लोकेशंस के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं? इसके लिए हम SRC मीन्स सोर्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चंस जो दिए गए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12, यहाँ पर एसर्शन और रीजंस बेस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज ही है, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, रीजन्स में दिया गया, HTML यूज टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड टैग। HTML में जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए प्री डिफाइंड टैग का ही यूज करते हैं, ये करेक्ट, ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, बोथ एसर्शन ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही हमारे सही है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ,
आर में जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है ए की बजाय, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 12, एसर्शन दिया है इन्होंने इन एचटीएमएल टैग रिटर्न इन लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर आर ट्रीटेड एज द सेम। एचटीएमएल में चाहे हम किसी भी टैग्स को लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिख के दोनों में ही ले लेता है। सेकंड रीजन दिया इन्होंने एचटीएमएल इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट ऊपर ए दिया है इसका रीजन ये है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो गलत है कि एचटीएमएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है क्योंकि इसमें बहुत केस लोअर केस और अपर केस में एक्सेप्टेड करता है, इसलिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है, सही कह रहा है। सेकंड जो रीजन से वो ये गलत कह रहा है, इसीलिए एसर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 जो शॉर्ट क्वेश्चन बेस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है, नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट, ई लर्निंग की वेबसाइट का नाम लिखना है लेकिन इंडिया की, तो इसका हमारा हो गया ई लर्निंग रेफर टू ए लर्निंग सिस्टम। ई लर्निंग क्या है, एक लर्निंग सिस्टम है डेट वी कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से इंटरनेट की मदद से लर्निंग कर सकते हैं। जो एक वेबसाइट है इन्होंने एक वेबसाइट दी है https://www.swayam.gov.in, ये भी एक हमारी ई लर्निंग की इंडियन वेबसाइट है, और diksha.gov.in भी हमारी ई लर्निंग की एक वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग, ई शॉपिंग की 2 डिसएडवांटेज लिखनी है। तो फर्स्ट हमारा है लैक ऑफ इंटरेक्शन, अगर हम ई शॉपिंग के माध्यम से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हम जिसके साथ शॉपिंग कर रहे हैं उससे इंटरेक्शन नहीं कर सकते। सेकंड डिले इन डिलीवरी, जब हम मार्केट से सामान लाते हैं तो हम इजीली डिलीवरी हमें मिल जाती है, जब हम ई शॉपिंग के माध्यम से करते हैं तो हमें डिलीवरी उसी समय नहीं मिलती, बाद में मिलती है, इसीलिए है डिले इन डिलीवरी। और भी कोई डिसएडवांटेज आप इसमें लिख सकते हैं। सेकंड 14 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, सेकंड क्वेश्चन दिया राइट एनी एडवांटेज ऑफ ई ग्रुप, ई ग्रुप की क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है इट हेल्प्स इन लर्निंग मोर, ई ग्रुप के माध्यम से हम जो लर्निंग है ज़्यादा कर सकते हैं, इट इज इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट और लेसन, किसी भी लेसन और सब्जेक्ट को इजीली समझ सकते हैं अगर हम ई ग्रुप के माध्यम से कोई भी लर्निंग करते हैं। इट हेल्प इन जनरेटिंग मोर आइडियाज अबाउट अ टॉपिक, अगर हम ग्रुप के माध्यम से लर्निंग करते हैं तो हमें और भी आइडियाज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमें पढ़ने में समझने में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ए हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट लिंक, हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या है, गिव द नेम एंड सिंटेक्स फॉर द एचटीएमएल टैग, इसका नेम और सिंटेक्स लिखिए, विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरटेक्स्ट लिंक। आंसर है हमारा हाइपर लिंक अलाउ अस टू लिंक एन एचटीएमएल एलिमेंट, हाइपर लिंक क्या करता है एचटीएमएल में लिंक को जो अलाउ करता है, जो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है और इमेज की फॉर्म में भी, टेक्स्ट एंड और इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक की मदद से हम उसी डॉक्यूमेंट में उसी पेज में अनदर पॉइंट्स पे मूवमेंट कर सकते हैं या फिर न्यू से लोकेशन या फिर न्यू पेज को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। इसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं यहाँ पर हम एंकर टैग ए टैग्स का यूज करते हैं। अगर सिंटेक्स की बात है तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम एंकर टैग का यूज करते हैं और HREF यहाँ पर हाइपरलिंक्स, यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स का यूज किया है, HREF ए टैग है हमारा, यहाँ पर हम लिंक का एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर हमारी फाइल वो सेव है उस फाइल का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं हाइपरलिंक टेक्स्ट मिस क्लिक है इस टाइप से और एंकर टैग को क्लोज करेंगे। जब हम इस प्रोफाइल को रन करेंगे तो ये हाइपरलिंक टेक्स्ट वर्ड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो सोर्स फाइल का हमने एड्रेस दिया है वो फाइल हमारी ओपन होके आ जाती है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर डैट इज ऑनर्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिश इट इज नॉन एज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिस कंपनी ने बनाए हैं वो ऑनर, जो जिसने बनाए हैं वो ओनर, उसी में स्वामित्व होती है कि वो मतलब उसमें करेक्शन कर सके कुछ,
जैसे एडोब फ्लैश, एमएस ऑफिस, इसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जो कर सकता है कंपनी के पास ही होती है, वही इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एनी वन टू एक्सेस और चेंज द कोड इज नॉन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में इसमें एक्सेस दे सकते हैं कि कोई भी इसमें करेक्शन कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें इसके एग्जांपल्स हैं ओपन ऑफिस और क्रोम। नेक्स्ट है डिफाइन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को डिफाइन कीजिए। नेम एनी टू इशू रिलेटेड टू प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की टू प्राइवेसी से रिलेटेड कोई इशूज को आप बताइए। ई कॉमर्स क्या है? फर्स्ट, बाइंडिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट इज नॉन एज ई कॉमर्स। जब भी हम कोई भी आइटम, कोई भी गुड्स इंटरनेट के माध्यम से सेल या परचेज करते हैं तो वह हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। जो इश्यूज हैं प्राइवेसी इशू, ई कॉमर्स से हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, जो प्राइवेसी इशू है हमारी फिशिंग और स्पैमिंग, दो इशूज हमारे यहाँ पर आते हैं, फिशिंग एंड स्पैमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। CSS इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द वेब डेवलपर दीज डे। आज की डेट में वेब डेवलपर में कुछ भी डेवलप करने के लिए CSS एक बेस्ट चॉइस है। राइट एनी फोर एडवांटेज ऑफ CSS। इसीलिए CSS की फोर एडवांटेज बताइए। इट हेल्प टू मेक कंसिस्ट एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन वेब पेज। इसके माध्यम से हम किसी भी, जब भी हम CSS में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम वेब पेज में इजीली चेंजेस कर सकते हैं। इट्स इम्प्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ द पेज। पेज की लोडिंग स्पीड बेस में इम्प्रूव रहती है। अदर लैंग्वेज से CSS हैज द एबिलिटी टू रिपोजिशन द एलिमेंट ऑन वेब पेज। CSS में किसी भी एलिमेंट्स की रिपोजिशन हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इट हैज़ अ बेटर डिवाइस। किसी भी डिवाइस में ये इजीली वर्क कर जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती, इजीली ओपन हो जाते हैं इसके प्रोग्राम किसी भी डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन ए लिंक एंड वी लिंक। ए लिंक और वी लिंक में डिफरेंस बताइए। राइट एन HTML स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द यूजेज ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट। दो एट्रीब्यूट्स भी इसमें मेंशन कीजिए। फर्स्ट है द ए लिंक और वी लिंक। ए लिंक को हम एक्टिव लिंक बोलते हैं और वी लिंक को हम विजिट लिंक बोलते हैं। द ए लिंक एक्टिव लिंक कलर अपीयर व्हाइल द माउस इज क्लिकिंग द लिंक। एक्टिव लिंक वो लिंक होता है जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो उसका जो कलर शो होता है वो हमारा एक्टिव लिंक का कलर होता है। और विजिट लिंक इज द कलर ऑफ द लिंक आफ्टर द यूजर हैज विजिटेड। जब हम उस लिंक पर पहले विजिट कर चुके होते हैं, जो कलर शो होता है वो हमारा विजिट लिंक का कलर होता है। तो इन दोनों को ही हम बॉडी टैग में ही मेंशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बॉडी लिंक कलर नेम, यहाँ पर कोई भी कलर का नेम मेंशन कर देंगे। और वी लिंक कलर नेम, ए लिंक कलर नेम, दोनों ही में लिखा है हमने। अब विजिट लिंक में जो कलर देंगे वो विजिट करने के बाद कलर शो होगा, और एक्टिव लिंक में जो कलर देंगे जब हम प्रोग्राम को ओपन करें, जो कलर यहाँ पर शो करेगा लिंक का वो कलर होगा। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन DT एंड DDT टैग। दो टैग्स हैं हमारे इसमें HTML में, जैसे DT और DDT। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द DD टैग इज यूज टू डिस्क्राइब ए टर्म नेम इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। किसी भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जब हम किसी भी टर्म को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तब हम DD टैग्स का यूज करते हैं। द DD टैग इज यूज कंजक्शन विद DL, डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सेकेंड है DT डिफाइंड ए टर्म नेम। किसी भी टर्म को उसमें डिस्क्राइब करने के लिए था, इसमें डिफाइन करने के लिए। इनसाइड ए DD टैग, DD टैग्स के इनसाइड में इसको हम यूज करते हैं। कैन पर द पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ हो, कोई लाइन ब्रेक, इमेज लिंक एक्सेट्रा का हमें शो करना, वहाँ पर हम DD टैग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सबमिट एंड रीसेट बटन इन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में जो हमारा रीसेट का सबमिट का बटन है, इनको यहाँ पर डिफाइन कीजिए। फर्स्ट है सबमिट। अलाउ द यूजर टू सेंड द इंफॉर्मेशन डाटा ऑनवर्ड्स फॉर प्रोसेसिंग। जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद हम लास्ट में सबमिट करते हैं, इसके लिए हम सबमिट बटन का यूज करते हैं। रीसेट अलाउ द यूजर टू क्लियर द फॉर्म फील्ड टू ऑल एंड टर्ड इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमने फिल करी है उसको क्लियर करने के लिए, ब्लैंक करने के लिए हम रीसेट बटन का यूज करते हैं। मीन्स हमने कोई इन्फॉर्मेशन फिल करी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम सभी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करना है, तब हम रीसेट बटन का यूज करते हैं। ये था हमारा सेक्शन B, जो हमारा 2 मार्क्स ईच का था।
जहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है सेक्शन सी जो 3 मार्क्स ईच का है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेगरिज्म इज ए मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउ डे। आज की डेट में प्लेगरिज्म एक प्रॉब्लम है। व्हाट डू मीन बाय प्लेगरिज्म, ये क्या है, और राइट एनी 2 स्टेप कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके 2 स्टेप बताइए। प्लेगरिज्म व्हेन यू यूज अनदर पर्सन वर्ड्स और आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज योर ऑन। प्लेगरिज्म का मीन्स होता है कि जब भी हम किसी के दूसरे के अचार आइडियाज को अपने द्वारा उसको प्रस्तुत करते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में, वही हमारा प्लेगरिज्म कहलाता है। ज़्यादातर ऐसा आज की डेट में करते भी हैं। इसके लिए अगर 2 स्टेप से बचने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसको क्या अपने कुछ एग्जाम्पल्स इसके साथ जो देने चाहिए और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडर, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द एक URL यहाँ पर कोड दिया गया है एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। उसी के बेस पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक यहाँ पर URL का एड्रेस है http://www.shiksha.com। अब क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट है, व्हाट डज .com सजेस्ट। यहाँ पर जो .com दिया हुआ है इसका क्या मीन्स है। com जो दिया गया सजेस्ट दैट द URL बिलोंग टू ए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अब हम लास्ट में .com का यूज करते हैं। विच कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया गया HTTPS, ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज हो रहा है। HTTPS कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S इन HTTPS। HTTPS के जो लास्ट में S है इसका क्या मीन्स है। इट डिफाइन दैट वेबसाइट इज सिक्योर फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यह सिक्योर से है कि हम किसी भी टाइप का यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारी जो भी अमाउंट्स है, जो भी हमारी लिंक से, वो हमारे सिक्योर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एविलेंट इन लाइन CSS फॉर द फ्लोइंग HTML टैग। यहाँ पर एक फर्स्ट दिया गया है HTML का टैग बॉडी BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन। अब इस टैग को CSS की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसे CSS में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए बिल्कुल सिमिलर ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले जब हम CSS में लिखते हैं तो हम स्टाइल का यूज करते हैं, राइट। तो हम बॉडी के बाद स्टाइल लिखेंगे और बीजी कलर की जगह यहाँ पर लिखा जाता है बैकग्राउंड। बीजी वर्ड की जगह आ जाएगा बैकग्राउंड और यहाँ पर हम माइनस लगा के कलर लिखते हैं। बॉडी के बाद स्टाइल लगाया है, इजिकल टू लगाया है, इन्वर्टेड कोमा में बीजी वर्ड को कम्प्लीट लिखा है, बैकग्राउंड माइनस करके कलर लिखा है और इसके बाद कॉलन करके कलर का नेम लिखते हैं और सेमी कॉलन लगा के इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देते हैं। इससे हमारा जो ये वाला टैग HTML का जो टैग है ये बॉडी बीजी कलर का, ये CSS में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड इमेज टैग का इन्होंने दिया है इमेज src.me.jpg हाइट और विथ दिए। इसको इन्होंने कहा है कि CSS में कन्वर्ट करना है तो इमेज src सेम रहेगा, जो फाइल का नेम है वो भी हमारा सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि हाइट और विथ, ठीक है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, स्टाइल का यूज करेंगे। स्टाइल इजिकल टू हाइट को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और यहाँ पर इजिकल टू की जगह कॉलन आएगा। 20 के बाद यहाँ पर पिक्सल्स देंगे px। इसी तरीके से विथ में भी सेम देंगे। इस तरीके से हमारा जो ये वाला कोड HTML का, ये हमारा CSS में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारी इंटरनल चॉइस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो हमारी इंटरनल चॉइस है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, राइट एन एक्सटर्नल CSS कोड। एक CSS कोड यहाँ पर हमें लिखना है, स्निपेट टू सेट ऑल 4 margins ऑफ द बॉडी टैग्स विथ 5 pixels ईच। यहाँ पर हमें बॉडी टैग्स में जो है मतलब कि 4 margins के लिए 4 यहाँ पर जो यूज होते हैं 4 margins वो लिखने हैं, राइट। और जो इसका वैल्यू है वो होनी चाहिए 5 pixels। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे स्टार्टिंग में, ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट में ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब क्योंकि इन्होंने मार्जिन सेट करने के लिए कहा है, तो मार्जिन हमारे जो है टॉप होते हैं, राइट होते हैं, लेफ्ट और बॉटम, टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम, राइट। तो सबसे पहले हमने दिया मार्जिन टॉप, माइनस करके लिखेंगे, कॉलन करके 5 pixels ईच कह रहा है, इसीलिए हमने लिखा है 5 pixels।
यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया, बिल्कुल सेम जितना हमने इतना लिखा है इसी को हमने अगेन दोबारा से लिख दिया है, बस टॉप की जगह यहाँ पर राइट लिखा है, अगेन एक बार लिखा है लेफ्ट लिखा है, और अगेन एक बार लिखा है बॉटम लिखा है। इसी चीज़ को हमने फोर टाइम्स लिखा, फोर मार्जिन पूछे हैं, सिर्फ जो टॉप की जगह हमने चेंज किया टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 में, राइट एंड इन लाइन सी एस एस कोड, एक इन लाइन का सी एस एस कोड लिखना है टू सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज ग्रीन कंटेनिंग द टेक्स्ट माई सी ए एग्जाम। माई सी एग्जाम में जो बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, राइट। तो हमने एच वन जो हमारी एक हेडिंग है, राइट, एच वन हेडिंग में हमने यूज किया है, और यहाँ पर हमने क्योंकि उसने कहा बैकग्राउंड का कलर ग्रीन, तो हम क्योंकि सी एस एस में लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे, राइट, स्टाइल इज इक्वल टू, अब जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर कमांड दिया है, कलर का नेम दिया है, राइट। इसके बाद हमने एच वन टैग को क्लोज कर दिया है ब्रैकेट को, इसके बाद हमने वो वर्डिंग लिखी और एच वन टैग को क्लोज किया। इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो बैकग्राउंड आएगा एच वन हेडिंग्स पे, वो कैसा आएगा, ग्रीन कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अमित इज ए न्यू इंटरनेट यूजर, मिस्टर अमित एक न्यू इंटरनेट यूजर है, यू बींग हिज फ्रेंड सजेस्ट टू हिम सम टिप्स विच ही शुड फॉलो वाइल यूजिंग द इंटरनेट, तो वो क्या सेफ्टी यूज करे कि मतलब इंटरनेट पहली बार यूज कर रहा है कि कोई भी उसको आगे फीचर्स में प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए ही शुड यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल, सभी के साथ वो एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करे, ही शुड चॉइस द फ्रेंड्स विजली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन विद ऑल, अपनी फ्रेंड्स में या किसी के साथ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें, ही शुड नाइदर सेंड स्पैम नॉर शुड इंक्रेज द सेम, जो स्पैम के मैसेज में उनको सेंड भी ना करे और उनसे इंक्रेज भी ना करे। ये था हमारा सेक्शन सी जो हमारा 3 मार्क्स ईच का था। अब है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी जो 4 मार्क्स ईच का है। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम जैसे राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शो बिलो, एक यहाँ पर HTML का पेज शो हो रहा है, कंसिडर स्पेसिफिकेशन डैट फॉलो यू कैन राइट ए कोड, यहाँ पर उसमें से आपको नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं 5, जिसमें से आपको 4 के आंसर्स देने हैं, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पर द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर हेडिंग लिस्ट ऑफ स्टेट एंड देयर सिटी शुड बी सेकेंड लेवल हेडिंग एट द सेंटर एट द पेज एंड द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी येलो। फर्स्ट जो दिया गया पेज की जो हेडिंग है लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड देयर पॉपुलर सिटीज, ये सेंटर में होनी चाहिए और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए पेज का, येलो, राइट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉडी बैकग्राउंड, राइट। यहाँ पर पूरा प्रोग्राम यहाँ पर टाइप किया गया, सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं टाइटल, ठीक है, टाइटल हमने लिख दिया स्टेट लिस्ट, हेड को बंद किया। उसने कहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि बैकग्राउंड का कलर उसे कैसा चाहिए, येल्लो चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येल्लो। सेकेंड वो क्या कह रहा है, जो ये लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट पॉपुलर सिटी ये कहाँ चाहिए, उसे सेंटर में चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है H2 हेडिंग में अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, इससे जो हमारी ये वाली हेडिंग से ये कहाँ पर आएगी, सेंटर में, राइट। 1 मार्क्स इसका हो गया आपका, 5 स्टेटमेंट है, 5 में से 4 करने हैं, राइट, यहाँ पर 4 के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड है JPG इमेज नेम नेशन शुड बी प्लेस, एक JPG की इमेज लगानी, तो इमेज के लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं, साथ ही सोर्स का यूज करते हैं, नेशन के नाम से इमेज है तो nation.jpg, और बॉर्डर हमने यहाँ पर दे दिया है 2, राइट, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर रिजल्ट्स है, आउटपुट की स्क्रीन है, इसमें जो बॉर्डर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसलिए हमने बॉर्डर का यूज किया। नेक्स्ट हमें लिस्ट बनानी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है हमारी यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है, जैसे 1, 2, 3, 4, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये क्या ऑर्डर लिस्ट में लिखे हुए हैं। अब जो हमारे लखनऊ बनारस है ये हमारे किस में लिखे हुए, अनऑर्डर लिस्ट में, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पर 3 यहाँ पर दिया गया है, द पेज शुड बी कंसीडर ऑफ एनी स्टेट लिस्ट एंड द डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। द ऑर्डर लिस्ट शुड बी नंबर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जो होती है हमारी नंबर लिस्ट होती है, राइट। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इनर लिस्ट एज बी गिवन शुड बी सिम्बल्स, जो इनर लिस्ट है वो हमारी सिम्बल्स में, जैसे आपको स्क्वायर और सर्कल में दिखाई दे रही है, ये हमारी होगी
अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो इसी के हिसाब से हमने लिस्ट के हिसाब से ये प्रोग्राम किया है। सबसे पहले हमारा हम किसको यूज करेंगे, ओवल टैग को, क्योंकि काउंटिंग 1, 2, 3 की है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। फर्स्ट लिस्ट उत्तर प्रदेश लिख दिया, और इसके बाद इसमें क्या दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश के जो दो टाइप्स दिखा रहा है, लखनऊ एंड बनारस, राइट। दोनों ही क्या है हमारे अनऑर्डर लिस्ट में, यहाँ पर स्क्वायर, राइट, स्क्वायर एट्रीब्यूट्स का यूज किया गया है यहाँ पर, टाइप्स में स्क्वायर वैल्यू का यूज किया गया है, ये देखे। तो हमने इसलिए क्या लिख दिया, यूएल में टाइप, और यहाँ पर हमने स्क्वायर जो है वैल्यू यूज किया, टाइप एट्रीब्यूट्स यूज किया है। तो यहाँ पर लिस्ट में हमने लखनऊ और बनारस दिखा दिया है, और यूएल को बंद कर दिया है फर्स्ट। अब अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट बिहार लिस्ट में बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट है उसको हमने क्लोज नहीं किया है, इसीलिए वो जो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर ले लेगा। अब जो पंजाब के अंदर है, अमृतसर, लुधियाना दिया है, यहाँ पर हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज होगा, और जो इसमें टाइप्स में एट्रीब्यूट्स में वैल्यू यूज होगी वो होगी हमारी सर्कल, राइट। तो यहाँ पर हमें मिड में क्या यूज करना पड़ेगा, अनऑर्डर लिस्ट टैग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बिहार के बाद यहाँ ये देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर यूएल टैग्स का यूज किया है अनऑर्डर लिस्ट का, स्क्वायर वैल्यू का यूज किया है, अमृतसर लुधियाना हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र, अमृतसर और लुधियाना लिखा है, स्क्वायर में लिखा है, राइट। इसके बाद यहाँ पर यूएल को बंद किया है, महाराष्ट्र लिख के ओएल को बंद किया है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा यहाँ पर, कि फीडबैक शुड बी ईमेल लिंक mail@me.com, एक फीडबैक का लिंक हमें यहाँ पर बनाना है। तो उसके लिए हमारे फिफ्थ पॉइंट के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिव ए एच आर ई एफ, ए हमारा एंकर टैग है क्योंकि हम लिंक बना रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, एच आर ई एफ। यहाँ पर हम उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे जो उन्होंने शो की है, और फीडबैक वर्ड यहाँ पर लिख देंगे, एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, इससे हमारा लिंक बन जाएगा। इस तरह जो 5 इसमें स्पेसिफिकेशन बोले गए थे, इनको लेकर हमने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा इसमें चॉइस दी गई, इंटरनल चॉइस, या तो आप वो वाला प्रोग्राम बनाइए या फिर ये वाला, राइट। इस प्रोग्राम में आप देखिए एक बैकग्राउंड का कलर दिया हुआ है, सेंटर में लिखा है इंडियन मोटिवेशनल बुक्स, एक पैराग्राफ दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दी गई है, और फिर नीचे मैसेज लिखा है, इस मैसेज को बीच में बोल्ड भी किया है, और यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमारा ये प्रोग्राम बनेगा। इसके लिए भी सबसे पहले कहा उसने टाइटल ऑफ द पेज, पेज का टाइटल होना चाहिए मोटिवेशनल बुक, और हेडिंग लेवल जो हमारी सेंटर में होनी चाहिए इंडियन मोटिवेशनल बुक। तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम में आंसर जैसे HTML है, टाइटल उसने कहा था मोटिवेशनल बुक इसलिए लिखा है, हेड बॉडी, बैकग्राउंड का कलर आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा था इसीलिए ऑरेंज मेंशन किया गया है, राइट। जो हमारी हेडिंग है इंडियन मोटिवेशनल बुक को सेंटर में है, इसलिए सेंटर टैग का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ओपन किया है, और इसको लिखने के बाद क्लोज किया है, क्योंकि हमारी हेडिंग है इसलिए H1 का। जो पैराग्राफ है वो हमारा सेंटर में है इसलिए P अलाइन सेंटर, पूरा पैराग्राफ यहाँ पर टाइप किया गया है फिर, राइट। ऐसे ये पैराग्राफ है। अब इसके बाद पॉपुलर बुक ऑफ इन इंडिया, ये भी हमारा सेंटर्स में जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक टेबल बनाई गई है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैसेज नीचे दिए गए, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकेंड भी हो गया हमारा कैप्शन, जो पॉपुलर बुक्स इन इंडिया। अब एक ही जो टेबल्स है वो टेबुलर डाटा फॉर्म में 4 रो और 2 कॉलम्स, अब बॉर्डर का साइज हमारा 2 होना चाहिए, अब फिर यहाँ पर जो कंटेंट्स लिखा है वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होना चाहिए, जो आर के नारायण लिखा है, राइट। तो ये हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर जैसे पैराग्राफ हो गया, अब नेक्स्ट देखो टेबल, हमने बॉर्डर इन्होंने 2 दिया था, कैप्शन में बोला था पॉपुलर बुक इन इंडिया लिखना है, वो लिखा गया। अब टेबल में TR टैग्स का यूज किया गया, राइट। अब जो इसमें मैसेज लिखा गया यहाँ पर हमारे कितने कह रहा है, वो 2 कॉलम्स, जितने रो और कॉलम्स कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको मैंशन करें। थोड़ा टॉप में करके हम देख लेते हैं कितने रोज हमारे और कितने कॉलम्स है, राइट। ये देखें यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, राइट, और 4 रो है। जो मैसेज इसमें लिखा गया वही हम यहाँ पर मैंशन करेंगे, राइट। थोड़ा सा थोड़ा डाउन कर लेते हैं स्कोरर को हम। जो हमारी टेबल्स है, राइट, 2 यहाँ पर कॉलम्स थे,
ये देखिए TR से स्टार्ट की और TR पे ख़त्म की, टू कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा जो फर्स्ट सेल है TD, जो मैसेज लिखा गया वो हमने यहाँ पर मेंशन किया, TD को क्लोज किया। इसी तरीके से सेकंड सेल में जो लिखा है वो हमने यहाँ पर लिखा डॉक्टर अब्दुल कलाम और बंद किया। इसी तरीके से फर्स्ट जितना हमने ये बनाया है इतना बिल्कुल इसी को रिपीट किया है सेकेंड रो के लिए, राइट। तो इस तरीके से हमारी फोर रो जो है वो कम्प्लीट की गई है, 1 2 3 4, राइट। इसके बाद पॉपुलर बुक इंडिया मैसेज लिखा गया, लाइन को ब्रेक। इसके बाद जो मैसेज था लास्ट वाली लाइन का वो यहाँ पर लिखा गया है, और इसके बाद उसने कहा था RK नारायण को बॉल टैली को अंडरलाइन होना चाहिए, इसलिए BIU टैक्स का यूज किया गया और लास्ट में इनको क्लोज किया गया, राइट। और जो नीचे था उसने कहा था एक लिंक होना चाहिए, इसीलिए एंकर टैग का यूज किया है। HREF एट्रीब्यूट्स में जो वो वेबसाइट दी थी उसको बिल्कुल सेम यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। और एक इमेज का लास्ट में फीडबैक का था, इसलिए हमने लिखा इमेज SRC feedback.jpg और एंकर टैग को क्लोज किया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेक्शन ई है, जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक यहाँ पर HTML का कोड दिया हुआ है, एक टेबल आपको शो हो रही है, राइट। टेबल बनी हुई है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम बना हुआ इसी टेबल से रिलेटेड, राइट। और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1, इसी टेबल्स के अकॉर्डिंग कोडिंग है, राइट। यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट 1, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर फिलअप लिख दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब क्योंकि टेबल का प्रोग्राम है, अगर हम उसमें बॉर्डर टैग्स का यूज नहीं करते हैं तो इसमें ये लाइन शो नहीं होती है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है G=2, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉर्डर, राइट। स्टेटमेंट 1 में क्या आएगा, बॉर्डर। स्टेटमेंट 2, राइट, यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर लिखा है जो वर्ड्स लिखा है ये टाइम टेबल्स का एक, तो कोई एक टैग यहाँ पर स्टार्टिंग होना चाहिए और ओपन होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते क्या चीज है, ये वर्ड्स लिखा है तो एक हेडिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम H1 या H2 कोई भी एक हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हैं, राइट। स्टेटमेंट 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट ये देखिए, यहाँ इन्होंने TD टैक्स लिखा, TD=2। अब रोबोटिक में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए रोबोटिक, रोबोटिक में क्या क्या, इन्होंने दो जो हमारी रो है उनको इन्होंने मर्ज किया है, रो 1 और 2 को रोबोटिक वर्ड्स में, तो रो को मर्ज किया, तो स्टेटमेंट 3 में यहाँ पर हमारा रोज पेन एट्रीब्यूट्स का यूज होगा, तो यहाँ पर हम रोज पेन लिखेंगे = 2 लिखा हुआ है इसमें, राइट। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी TD में यहाँ पर = 2 लिखा है मशीन लर्निंग। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज होगा फोर्थ वाले में मशीन लर्निंग में, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मशीन लर्निंग में दो कॉलम को मर्ज किया है, तो यहाँ पर मिस हमारा कॉल स्पेन एट्रीब्यूट्स का यूज होगा फोर्थ स्टेटमेंट में, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं थोड़ा नीचे आके हम, फिफ्थ स्टेटमेंट में इन्होंने लास्ट में कोई भी टैग्स को क्लोज नहीं किया है। सबसे लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करते हैं, उससे पहले हम बॉडी और फिर इससे पहले हम टेबल को क्लोज करते हैं, मिस टेबल बॉडी और HTML टैग को यहाँ क्लोज करके दिखाना है, राइट, इस प्रोग्राम में। अब वही जो हमने अभी बोला था कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि राइट द एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ द, जो हमारा स्टेटमेंट 1 है उसकी वैल्यू को आप कंप्लीट कीजिए, तो फर्स्ट में हमारा बॉर्डर है, सेकंड में हम कैप्शन भी दे सकते हैं और हेडिंग भी दे सकते हैं, राइट। थर्ड में हमने रो स्पेन था और नेक्स्ट हमारा कॉल स्पेन और लास्ट में हमने टेबल बॉर्डर HTML को क्लोज किया है। नेक्स्ट इस केस स्टडी हमारी ये साइबर सेफ्टी के चैप्टर से रिलेटेड है, राइट। एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड पैरामेंडर इज ए विक्टिम ऑफ, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, साइबर बिलिंग। सेकेंड है आफ्टर हियरिंग अबाउट इन ऑर्डियल्स द स्कूल डिसाइडेड टू पब्लिश ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट द डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट वाइल यूजिंग द इंटरनेट द स्कूल इज रेफरिंग टू। मीन्स क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट से कुछ भी गलत बिहेवियर किया तो इसके लिए मतलब क्या स्कूल की तरफ से क्या रेफरिंग किया जाएगा, तो ये हमारा क्या है, साइबर एथिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए सेफ्टी मेजर से रिलेटेड टू ए टेकन बाय पैरामेंडर टू अवॉइड थ्रेट्स फ्रॉम अननोन पीपल इन द फ्यूचर्स।
कि फ्यूचर्स में कोई भी हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, तो लॉक हिज प्रोफाइल एंड ओनली लेट हिज फ्रेंड व्यू हिज प्रोफाइल, कि हम अपने प्रोफाइल को नेट पर लॉक कर दें कि हमारे फ्रेंड्स से उसको ओनली देख सके, अदर कोई ना देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डी पैरा, परमिंदर डिसाइडेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ ए कॉमन सेफ्टी, कॉमन सेफ्टी से रिलेटेड वो एक लिस्ट जैसे ऑनलाइन यहाँ पर बना रहा है। राइट एनी टू पॉइंट्स दैट परमिंदर शुड इंक्लूड द लिस्ट, वो कौन से दो पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करें। फर्स्ट है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट दियर डाटा ऑनलाइन, ऑनलाइन में डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए इनको इंक्लूड करें। सेकेंड, लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट आफ्टर द सेशन, अपने सेशन को कम्प्लीट करने के बाद अपने जो लोग सोशल अकाउंट है सोशल मीडिया को उसको लॉग आउट कर दें, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे और एक जो भी वो यूज कर रहा है अपना सोशल मीडिया अकाउंट उसको लॉग आउट कर दे वर्किंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाई आर द प्राइवेसी सेटिंग्स सो इम्पोर्टेंट, प्राइवेसी सेटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है सोशल नेटवर्किंग साइट में। प्राइवेसी सेटिंग मे बी यूज बाय द यूजर टू एडजस्ट द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफाइल, प्राइवेसी सेटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई भी नेट में वर्क करते हैं हमारी उसमें प्रोफाइल पूरी प्रोफाइल डली होती है, प्रोफाइल अदर यूजर्स उसको देख ना सके, इसीलिए हम इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स करते हैं और क्रिएटेड द इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोफाइल। दिस विल बी इंश्योर दैट वाट वी आर पोस्टिंग ऑनलाइन इज ओनली एक्सेबल टू द पीपल वी नॉन एंड ट्रस्ट, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस प्रोफाइल्स हमारी इन्फॉर्मेशन शो हो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पीपल्स पे उन्हीं को शो, अदरवाइज किसी को शो ना हो, इसके लिए हम प्राइवेसी सेटिंग्स यहाँ पर यूज करते हैं। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर 2022-23 का। इससे रिलेटेड जो आपको प्रोग्राम यहाँ पर बीच में शो हो रहे हैं जैसे ये प्रोग्राम है, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, किस तरीके से हम इन प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं इजीली, और इस प्रोग्राम इस क्वेश्चन पेपर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।